हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम.कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट सभी दोस्त का यही पूछना था कि सर हमारा एग्जाम टाइम टेबल कब आने वाला है। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों का इंतजार होता है खत्म, आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल को रिलीज कर दिया है। दोस्तों जितने भी नए दोस्त इस समय मेरे चैनल के इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज आगे भी आपको ये चैनल काम आने वाले। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ एम.कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के एग्जाम की। दोस्तों अकाउंटिंग के भी स्टूडेंट है और मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट है। तो दोस्तों आपका टाइम शेड्यूल कैसा दिया हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी स्टूडेंट का एग्जाम चालू होने वाला 28 नवंबर से। दोस्तों 28 नवंबर से 9 से 1 के बीच में जो एग्जाम होने वाला है वो मैनेजमेंट स्टूडेंट का होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्जाम। देन अकाउंट के स्टूडेंट का भी एग्जाम उसी दिन 28 नवंबर के दिन ही है, 2 से 6 बजे के बीच में एडवांस फाइनेंस अकाउंटिंग का एग्जाम है। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में जो इतना टाइम का गैप है वो मैं आपको कुछ टाइम के बाद समझाता हूँ, पहले मैं एक बार आपको टाइम टेबल बता देता हूँ। देन 29 नवंबर के दिन दोस्तों 9 से 1 के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। देन 2 से 6 बजे के बीच में आपका होने वाला एडवांस कोर्स अकाउंटिंग का। देन 1 दिसंबर, ये तो कॉमन होता है चाहे फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट हो या अकाउंटिंग स्टूडेंट हो, 2 से 6 बजे के बीच आपका एग्जाम होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देन 2 दिसंबर को 2 से 6 बजे के बीच में आपका एग्जाम होने वाला इकोनॉमिक का। अब सर हमें ये बता दीजिए 2 से 6 और ये 9 से 1 ये इतना जो टाइम पीरियड है ये काय का है। तो दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन, ये ऊपर ही था लिखा हुआ था ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों आपको सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम मिला जाएगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों इधर जो एग्जाम टाइम है आपका, आप अगर 9 बजे पेपर दोगे तो 10 बजे खुद ब खुद पेपर खत्म हो जाएगा, 10 बजे दोगे तो 11 बजे खत्म हो जाएगा, अगर आप 10:30 बजे देते हो तो 11:30 बजे, मतलब कोई भी 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आप कभी भी 1 घंटे का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर किसी दोस्त ने लॉग इन 12:30 बजे किया तो क्या वो 1:30 बजे तक का एग्जाम दे सकता है? तो नहीं दोस्तों, इधर लास्ट टाइमिंग है 1 बजे, मतलब 1 बजे आपका स्लॉट टाइम खत्म हो जाएगा। आप 12:30 बजे लॉग इन किए हो तो 1 बजे टाइम खत्म हो जाएगा, आधा घंटा ही आपको टाइम मिलेगा। ये आपकी गलती मानी जाएगी, मुंबई यूनिवर्सिटी की गलती नहीं मानी जाएगी। सेम अगर अकाउंटिंग के स्टूडेंट भी 5:30 बजे लॉग इन करते तो 6 बजे उनका बंद हो जाएगा, आधा ही घंटा टाइम मिलेगा। ये आपकी गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है। ये इस तरीके से दोस्तों आपको स्लॉट दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो यार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एमसीक्यूज बनाया है एम.कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बनाया हुआ है, साथ ही साथ एडवांस कोर्स अकाउंटिंग का भी बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जितने भी नए फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।